नमस्कार। टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र में गुरुवार को खनन माफिया ने वन विभाग की टीम पर लोहे के सरियों और लाठियों से हमला कर दिया। इसमें निवाई वन रेंजर सहित चार कर्मचारी घायल हो गए। इसके बाद इन्हें इलाज के लिए निवाई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल यह हमला खनन माफियाओं द्वारा चेजा पत्थर का अवैध खनन कर वन भूमि पर रखे गए स्टॉक को सीज करने पर किया गया था। इधर इसका पता लगने के बाद निवाई डीएसपी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। निवाई थाना प्रभारी अजय मीना के अनुसार सुबह करीब 8 बजे वन विभाग निवाई के रेंजर को सूचना मिली थी कि शहर के पास ही वन विभाग के पहाड़ी क्षेत्र में कुछ लोग बड़ी मात्रा में चेजा पत्थर निकाल रहे हैं। उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे रेंजर हरेंद्र सिंह जाप्ते के साथ कामरिया खान पहुंचे, जहां वन विभाग की काफी चेजा पत्थरों का स्टॉक पड़ा हुआ था। इसी स्टॉक को रेंजर ने सीज करने की कार्रवाई शुरू की। इसमें गुस्साए व मौजूद 12-13 खनन माफियाओं ने एक साथ वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें चार कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस ने वन विभाग के घायल कर्मचारियों की रिपोर्ट पर निवाई पुलिस थाने में हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।